नमस्कार, मैं हूं शुभम राज और इस वक्त मेरी मौजूदगी है राउज आईएएस के उसी बिल्डिंग के बाहर जिस बिल्डिंग के बेसमेंट में 3 विद्यार्थियों की दर्दनाक मौत हो गई थी। 27 जुलाई की वो शाम शायद वो परिवार कभी नहीं भूल पाएगा जब उसके बच्चे की मौत की खबर दिल्ली से पहुंची थी। यही वो बिल्डिंग है जिस बिल्डिंग में उनके बच्चे आईएएस बनने का सपना देखते थे, उनके बच्चे अधिकारी बनने का सपना देखते थे, उनके बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करने का सपना देखते थे। लेकिन दिल्ली से उनकी कामयाबी की खबर तो नहीं पहुंची, लेकिन एक ऐसी खबर पहुंची जिसे परिवार शायद जीवन भर स्वीकार नहीं कर पाएगा, जिसे स्वीकार करना जीवन भर मुश्किल होगा। शायद उनके परिवार वाले इस बात को विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे कि अब उनके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहे। यही वो बेसमेंट है जिस बेसमेंट में 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी। इनमें 2 लड़कियां और 1 लड़के थे जिसकी मौत हुई है। आपको बताएं कि यही वो बेसमेंट है जिस बेसमेंट में 35 बच्चे, कहा जा रहा है कि इस बेसमेंट में लाइब्रेरी चलता था और इसी बेसमेंट में 35 बच्चे उस वक्त पढ़ रहे थे जिस वक्त अचानक से पानी इस बेसमेंट में घुसा और इस रफ्तार में पानी घुसा कि उनको भागने का मौका नहीं मिला, उनको निकलने का मौका नहीं मिला। उसमें से कुछ लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन किसी तरीके से उसमें से 2 लड़कियां और 1 लड़के फंस गए और उनकी दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन सवाल ये है कि जब बेसमेंट में कोचिंग चलाने के आदेश नहीं हैं तो आप बेसमेंट में लाइब्रेरी कैसे चला रहे थे? इन सवालों के साथ कहीं ना कहीं लापरवाही और कुव्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। इस वक्त मैं आपको अगर मौजूदा हालात बताऊं तो यहाँ विद्यार्थी धरने पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आप देखिए कि वो अपने साथी के लिए लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले। आप देखिए वो भूख हड़ताल पर किस तरीके से यहाँ लगातार बैठे हुए हैं, कड़ी धूप में वो अपने साथी के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि उनके जो साथी अब इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें न्याय मिले और आगे से इस तरीके की कोई घटना ना हो, इसके लिए सिस्टम को सुदृढ़ किया जाए। और इस कुव्यवस्था पर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, सिस्टम को सुधारने की आवश्यकता है। सिर्फ मोटी फीस नहीं, इसके लिए आपको व्यवस्था देने की आवश्यकता है। आप बेसमेंट में कोचिंग सेंटर कैसे चला रहे थे, इस सवाल का जवाब आपको देना होगा। आप इस तरीके से बच्चों की ज़िंदगी से नहीं खेल सकते हैं। वे यहाँ अपने सपने को संजोने आए थे, कुछ बनने आए थे, अपने परिवार का नाम रोशन करने आए थे, लेकिन उनके परिवार को उनके कामयाबी की खबर नहीं मिलती है, उनके परिवार को उनके ना होने की खबर मिलती है जो शायद जीवन भर उनके माँ बाप स्वीकार नहीं कर पाएंगे। राजेंद्र नगर से कैमरा पर्सन अदिति सिंह के साथ शुभम राज, जी मीडिया, दिल्ली।